दोस्तों, बकरी पालन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही जानकारी नहीं होती और जिसके कारण बकरी पालन में लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो से आप काफ़ी मोटिवेट होंगे, काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। महज 3 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। अगर आप 3 बकरी देखेंगे तो लगेगा यार क्या 3 बकरी में हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर 3 बकरी भी अगर रखते हैं तो 2 लाख रुपये की आप कमाई कर सकते हैं। और ये जो किसान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो इनके मुस्कुराने के पीछे एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी इस बात को लेकर है कि जो बकरी पालन का इनका तौर तरीका था बहुत संयमित था, बहुत सुलझा हुआ था। आप ये एक बार शेड जो देख सकते, शेड देख रहे हैं, ये शेड इन्होंने बनाया और काफ़ी जुगाड़ तकनीक से इस शेड को बनाया। आज अगर बकरी पालन लोग करते हैं तो शेड निर्माण में ही काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, लेकिन आप देखिए कि ये जो शेड बना है मात्र 10,000 और इंक्लूडिंग इसमें लेबर कॉस्ट भी है, यानी 10,000 रुपये में बकरी फार्म का इन्होंने शेड बनाया। तो ऐसे ऐसे करके जो है बकरी पालन में आपको चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और बात करें बकरियों की, स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो अगर इस तरह की बकरियां आपके पास हैं तो निश्चित तौर पर आपको बकरी पालन में सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा आपको समय गुजारना होगा 1.5-2 साल, और तब जाके आपको बकरी पालन में एक अच्छा मुनाफा होगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर मेरे फार्म पर। सबसे पहले अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम कमल कुमार सिंह हुआ, ग्राम अमरपुरा, पोस्ट अमरपुरे हुआ सर, थाना नवतपुर हुआ, जिला पटना। सबसे पहले हम बहुत कुछ आज आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, जो शेड आपने बनाया काफी जुगाड़ तकनीक से बनाया, आज बकरी पालन लोग करने की सोचते हैं तो शुरू में शेड निर्माण में ही काफी पैसे खर्च कर देते हैं, तो सबसे पहले बताइए सर कि इस शेड को आपने कैसे बनाया, कितना खर्च हुआ, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ सर, जरूर देंगे सर, कहीं किसी का भला हो तो भाई बहुत बढ़िया लगता है। जैसे सर, इसमें इस शेड बनाने में मेरा सर्किल का बहुत बड़ा हाथ है सर, 2-3 मेरा सर्किल है, तो बेचारे वही लोग सपोर्ट किए हैं। हम देखे थे कि उनके पास में ये देख रहे हैं कि समियाना है, कारपेट है, हाँ डेकोरेशन वाला, ये सब फेंका हुआ था, तो हमने उसको बोला कि भाई इसे आपके पास तो रद्दी हो गया है, इसे हमको दे दीजिए। तो पहले तो मजाक उड़ाया कि सर आप ये ले क्या कीजिएगा, ये तो रद्दी है। हम बोले कि कुछ काम में हम ला लेंगे, तो वही ला के फिर हम बनाए, तो फिर वो लोग भी आके देखा कि कैसे क्या किया है, तो देखा तो यहाँ शेड बन गया एकदम बढ़िया, तो उसी से शुरुआत हो गया सर। और ये बांस वल्ली वगैरह जो आपने लिया है या और जो लेबर कॉस्ट वगैरह, कितना खर्च हुआ टोटल? हमको फ्रेमिंग में 9,000 खर्चा हुआ सर, 1,000 लेबर कॉस्ट हुआ, तो इतने में हमको शेड पूरा तैयार हो गया सर। 10,000 रुपए में बकरी फार्म का आप शेड बना दिए एकदम सर, जो है आपके सामने है जो बनाया। और इसमें दिक्कत नहीं होगा बकरियों को? नहीं सर, दिक्कत नहीं होता है सर। सर कहे की गर्मी में भी ठीक रहेगा, ठंडे में भी ठीक? हाँ सर, कहे की कारपेट सूती होता है, ये गर्मी ठंडा में गर्मी देती है, तो कभी ठंडा का असर भी नहीं है। और अब बात करते हैं कि जो आपके पास बकरियां हैं, काफी शानदार क्वालिटी की बकरियां हैं, सब ब्लैक बंगाल है? हाँ सर, ब्लैक बंगाल है, कुछ क्रॉस भी है सर। और दूध वगैरह भी काफी अच्छा है आपके बकरी? हाँ सर, दूध कम से कम बच्चा पिला के 1 किलो दूध कर देती है सर एक बकरी। और ब्लैक बंगाल में लोगों का परसेप्शन होता है कि बकरियां दूध नहीं देती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कमी है, जानकारी का अभाव है, जिसके कारण लोगों के अंदर ऐसी बात है? हाँ सर, पहला बात है सर, देखिये संपूर्ण डाइट, देखिये पेट में अनाज नहीं जाएगा दूध कहाँ से करेगी। ढेर आदमी देखते हैं कि चर के आ गए घर ले आकर बंद कर दे रहे, तो दूध कहाँ से कर दे बकरी। फार्मिंग में भी देख रहे हैं ढेर चराई पे रखता है, लेकिन साथ में सपोर्ट में कुछ फीड दीजिएगा तभी दूध का प्रोडक्शन होगा सर। सही डाइट मिलना चाहिए सही। और कहीं ना कहीं लोग, ये भी एक कारण है कि बकरियां मैच्योर नहीं होती और उनको क्रॉस करवा देते हैं कम एज में, तो इसके कारण भी दूध की कमी होती है? हाँ, इसके कारण भी होती है सर, मांगे चले खींचा बच्चा है। हम लोग के पास में भी होता था छोटा बच्चा, 13 साल के बच्चा को शादी ब्याह होता था, उस पर रोक काहे लगा, क्या आगे नस्ल बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो उसी तरह हम लोग कहे ना इसको लेके चलते हैं, कम से कम इसको क्रॉस करने के लिए 9 महीना कम से कम इंतजार कीजिए, कम से कम में 9 महीना। हाँ, ऐसे तो मैक्सिमम 12 महीने के बाद आपने क्रॉस कर लेगी हो, लेकिन 9 महीना कम से कम बचा के रखिए कि भाई कम से कम उस लायक बन जाए कि बरियार बच्चा पैदा करे। तो आपके कहे अनुसार अगर कोई मान लीजिए बकरी पालन करते हैं तो जो बकरियों को क्रॉस करवाना चाहिए वो कम से कम 9 महीने, नहीं तो 1 साल करना चाहिए, तब जाके जो प्रोडक्शन होगा, जब जो मेमने आएंगे काफी तंदुरुस्त आएंगे, तो हेल्दी आएंगे, वो भी बड़ा ग्रोथ भी अच्छा होगा, दूध भरपूर करेगी। जब शरीर का विकास ही नहीं होगा सर, हम लोग कमे बच्चा में मैंने उसको क्रॉस करवा देंगे, तो
अपने विकास ना हो ले बच्चा का पोसेगा वो, बिल्कुल पेट में बच्चा उसका साइज भी जो यूट्रस का साइज है वो भी साला बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल। तो एक बच्चा होगा बोलेगा सर बच्चा हमारे तंदुरुस्त नहीं आया, तो सब काम ही एक से जुड़ा हुआ है। आप ये छोटा गलती करते हैं वो कहाँ से कहाँ चल जाता है। अब बात करते हैं जो आपके पास जानवर हैं सब टोटल स्टॉल फीड पे हैं। हाँ सर कंप्लीट स्टॉल फीड पे है सर। क्या खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? सर हम भूसा दरहनी भूसा खिलाते हैं सर, जिसमें खेसारी है बूट का मिश्रण रहता है, मैंने बूट का भूसा का मिश्रण रहता है और हल्का चोकर फेर देते हैं खिलाते हैं सर दो टाइम। तो ये सब जो है आप बकरियों को खिलाते हैं और इसी से जितनी बकरियाँ आपकी चमक रही हैं? हाँ सर उसी से है। और उसके अलावा कुछ देते हैं? न सर गेहूँ देते हैं, वो रात को सोने से पहले 400 ग्राम गेहूँ देते हैं जिससे उनका कमी जो भी है भूसा में कमी जो है ऐसे रहता है या फुला हुआ? ना सर पानी में हम सवेरे फुला देते हैं और शाम को उसको छान दिए उसको फिर हल्का ड्राई कर देते हैं, मैंने सूखा हुआ टाइप के तब हम देते हैं, क्या डाइजेशन के लिए इजी रहता है। तिरपाल दिया ऊपर दिया हुआ। तो ये सब जो है और ये ऐसे करके आप देते हैं दोस्तों, ये सब आपको भी समझना चाहिए सुनना चाहिए। एक बात बताइए गेहूँ के जगह और कुछ दे सकते हैं क्या? हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन अभी हमको जहाँ तक गेहूँ में सारा चीज़ पाया जाता है सर, जहाँ तक हमको ऑलमोस्ट कहेंगे हम लोग भी गेहूँ का आटा खाते हैं तो फुला के देने से तो वो तो कोई हर्जा तो नहीं करेगा, क्योंकि हमको उसका रिजल्ट मिला है। जैसे खेसारी खिलाए हैं तो खेसारी से देह फूलता है लेकिन दूध का क्वालिटी हमको नहीं बढ़ा है सर, यही चलते हम गेहूँ पे ज़्यादा दाव देते हैं। गेहूँ से दूध वगैरह? हाँ दूध एकदम रहता है, बच्चा भी तंदुरुस्त निकलता है, ग्रोथ बढ़िया रहता है बच्चा। देखिए उदाहरण के लिए इसका देखिए, बिल्कुल ये बच्चा है, एक बार करीब से ला के आपको दिखाना चाहूंगा। इस बकरी क्या ये बच्चा है? हाँ बताइए कितने दिनों का है ये? ये ऑलमोस्ट 5 महीने का बच्चा है सर। ये 5 महीने का बच्चा है? हाँ सर। और ब्लैक बंगाल में? हाँ ब्लैक बंगाल में सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ है और कई बार और इसकी माँ जो है ये है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे शानदार क्वालिटी का ये जो अभी दूध पीता ही है, ये दूध पीता है अभी देख रहे थे कि ये दूध भी पी रहा था। तो इस तरह की क्वालिटी, इस तरह का मैनेजमेंट आपके पास होगा तभी इस तरह की क्वालिटी जो है आपको बकरियों में देखने को मिलेगी, मेमने में देखने को मिलेगी। अब ये बताइए सर कि जैसे बकरी पालन की शुरुआत किए थे कितने दिनों पहले किए थे? हमें 1.5 साल हो गया सर अभी, 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल। इससे पहले भी हम किए थे, कुछ पर्सनली प्रॉब्लम के चलते हम बंद कर दिए थे, क्योंकि मम्मी का बाईपास सर्जरी हुआ था तो उसमें हमको बंद करना पड़ा। डॉक्टर बताया था कि इन्फेक्शन का खतरा है से ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी अगर जानवर रहेगा था, तो हम बोले सबके हटा दिए थे। तो उसके बाद फिर जो अभी जो ये जो जानवर आपके पास देखने को मिल रहा है ये 1.5 वर्ष पहले जो है कॉमर्शियल गोट फार्मिंग आपने शुरू की? 3 से शुरुआत किए थे सर, मात्र 3 से? 3 मदर गोट एक ब्रीडर से शुरू किए थे। और ये संख्या जो अभी इतना है वो 3 बकरियों से ही हुआ है, इसी से प्रोडक्शन जो हुआ है उसी के ये सब है हिसाब से है सर। और ये अगर मान लीजिए कि अभी आप जब ये सब लगभग तैयार हैं अगले साल तक और तैयार हो जाएंगे तो लगभग बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग अभी तो बकरी थोड़े हम बेचेंगे सर, देखिए हम जो ये जो इसका मेमने वगैरह है खसी वगैरह जो बेचेंगे, जो इसमें खसी है सर ऑलमोस्ट अभी 5 खसी है, ऑलमोस्ट अगले साल ले हमको पेमेंट कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा सर, अगले साल से कमाई शुरू हो जाएगा। और जो बकरियां हैं वो और आगे और फिर धीरे धीरे और बच्चे देंगी, तो ऐसे करके जो है और इनकम आगे होगा? हाँ सर इनकम आगे तो बढ़वे करेगा, इसमें बात ना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 3 बकरियों से ये शुरुआत किए थे और एक ब्रीडर से, और अभी आप इनके पास संख्या भी देख सकते हैं और सर का अनुमान है कि जो इनके पास जिस तरह के जो अभी बढ़िया खस्सी जो तैयार हुए हैं अगले साल जो ये इसको बेचेंगे तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तो आप समझ सकते हैं, तो ये मुनाफा सिर्फ आप नहीं देखें, ये देखिए कि कितना इसके पीछे ये मेहनत करते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं सर, इसमें एक और है सर, ये समझे कि एक चेन है, मान के चलिए अगर एक बार आपका चेन चल गया तो हर साल आपको पेमेंट दे जाएगा। एक बार आपने अभी मेरे पास 5 गो मैंने फीमेल गोट तैयार है, ये साइकिलिंग हर 3 महीने बच्चा देते जाएगी और हम हर एक साल उसको निकालते जाएंगे, तो मेरा एक तरह से चेन चालू हो गया, साइड इनकम मेरा स्टार्ट हो गया मात्र कितना में, 1.5 साल के मेहनत में, 1.5 साल ये और 2 साल मैंने मोटा मोटी फार्मिंग में भी हमको सिखाया, ट्रेनिंग में बोला गया था 3 साल आपको बर्दाश्त करना है कम से कम, 3 साल के बाद जब चेन चालू हो जाएगा तो आप रुपये आपको फिर भार नहीं पड़ेगा, इनकम का सोर्स आने लगेगा, तो फिर भार कहाँ के, जो अमाउंट आ रहा है उसी को सर्कुलेट कीजिए, एक बार मोटा बल्क में अनाज ले लीजिए चाहे भूसा ले लीजिए, रख स्टॉक कर दीजिए, फिर टेंशन नहीं है। और आपके पास जैसे अभी देख रहे हैं जितने भी बकरियां हैं और मेमने भी हैं जो खसी वगैरह वो छोटा है, तो ब्रीडर वगैरह आपके पास नहीं है, तो इतने प्रोडक्शन हुए कैसे? नहीं सर ब्रीडर हम रखे हुए थे सर, थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त एक्सपायर हो गया था वो शादी का पटाखा फूट रहा था, हमको भी आइडिया नहीं था, छत पे हम फार्मिंग करते हैं से दीवार थोड़ा छोटा हाइट पे था,
तो हम उसको बांध के रखते थे, कंट्रोल में रखते थे, लेकिन रस्सी तोड़ के कूद गया था डर से, हरक के। तो इसीलिए साइड में आपने अब जाली वगैरह दे दिया, इस साइड भी देख रहे हैं और उस साइड भी जाली दे दिया। जाली थोड़ा अलग से दे दी है हाले। अभी तो जैसे बरसात का मौसम है तो रात में तो बकरियां इसमें नहीं रहती होंगी। नहीं सर, अब उसके लिए अलग से रूम हम अथी किए हैं, व्यवस्था किए हैं। हाँ सर, दोनों रूम में हाले आते हैं, दोनों रूम उस तरफ जो है। हाँ सर। और ये पहले से आपका रूम बना हुआ है? हाँ पहले से सर, वही मेरा खानदानी घर है तो उसी में पहले से बना हुआ था, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और हमेशा मैं भी ये कहता हूँ कि कम से कम संसाधन में जो है बकरी पालन की आप शुरुआत कीजिए, और शुरू से ही कॉस्ट कटिंग पे आप खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देंगे और जहां वहां से जो पैसा बचेगा वो बकरियों को खिलाने के ऊपर खर्च करेंगे, तब उससे आपको आगे चल के मुनाफा मिलेगा। यस सर, ये सही कह रहा हूँ। हाँ एकदम है सर, खर्चा मिला के चलना पड़ता है शुरू शुरू में, क्या पूंजी लगता है ढेर। आदमी शेड के लिए तो एक बार लगाया था मोटा पूंजी की, चला हम लगा देंगे फिर बकरी से हम कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या किए हैं, शेड पे कम खर्चा किए हैं, ज़्यादातर हम ध्यान दिए हैं बकरी पे, जितना भी है फीड मैनेजमेंट हो गया, रखरखाव हो गया, बैठने का तरीका हो गया। मान लीजिए कि बकरी को टेंशन फ्री रखें, टेंशन नहीं है तो सब बकरी अपने आप उजियाएगा। हाँ मैंने उसका ग्रोथ इतना बढ़िया होगा, मान लीजिए हम लोग को भी टेंशन होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, मैंने कुछ साइड ट्रैक धर लेते हैं, उसके तरह से क्या होता है इनडायरेक्टली हम लोग दुबरा पतरा होने लगता है, उसी तरह सेम इसका भी है, जानवर पे भी लागू। हाँ लागू होता है ऐसा, क्या डिप्रेशन में जाएगी तो भाई वो तो अनाज छोड़ देगी, सब चीज़ छोड़ देगी, वो तो चिंता लगा हुआ है, उसी के लिए हम फ्री ऑफ माइंड रखते हैं, ज़्यादातर जहाँ तक बने हम फ्री ऑफ माइंड रखते हैं सर। अब एक चीज़ कहते हैं कि जैसे बकरियों एक चीज़ कहते हैं सर कि जैसे बकरी पालन करते हैं और एक दो बकरी रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समूह में आपके पास ज़्यादा बकरियां रहती हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसकी क्या मैनेजमेंट है सर? उसका वैक्सीन होता है सर, PPR, FMD ये सब होता है, ETT का टीका पड़ता है, तीन फिर हल्का फुल्का आता है, कभी लूज मोशन हो गया, बुखार लग गया, कभी पेट में दर्द हो गया, उसके लिए होम्योपैथी का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता? और कोई दिक्कत तो अभी तक फिलहाल नहीं आया सर। ये जो आपका एरिया है जिसमें बकरियाँ हैं, लगभग कितना एरिया है ये? ये लगभग ये 52/16 है सर। अच्छा, हाँ। तो इसमें कितनी बकरियाँ लगभग आ जाएंगी? ऑलमोस्ट हमको 30-30 बकरी ले आ जाएगा सर। 30 बकरी। हाँ सर, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी टोटल कितने जानवर हैं? अब टोटल 15 है सर। 15 है। हाँ सर। तो 3 से शुरू किए थे और अभी 15 पहुंच गए, और एक आध साल बाद जो है ये 30 पार कर जाएंगे। हाँ सर, अभी आप सब लोड है। हाँ सब अभी लोडेड है, वो भी अभी 2 महीना बाद बच्चा देगी। अभी सब लोड है, 3 महीना बाद बच्चा देगी सब, अभी मैंने 6 के 6 लोड है, तो अभी मांगे चलिए 6 महीने में तो सब भर देगा। तो हम सोच रहे हैं कि सर कम से कम 2 तो बच्चे देंगे। हाँ 2-2 बच्चा देंगे तो समझे कितना बच्चा हो जाएगा। तो ब्लैक बंगाल की ये खासियत होती है, और शुरू से अगर आप खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो जिस तरह के पास बच्चे आए हैं, जो मेमने आए हैं, आपके फार्म में भी ऐसे मेमने आएंगे, लेकिन जितना ये मैनेजमेंट करते हैं और जितना खिलाने पिलाने ये संजीदगी बरतते हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तभी इस तरह का शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। सर ये जो भी आप जो भी जानवर को खिला रहे हैं बिल्कुल ड्राई आइटम खिला रहे हैं? हाँ सर, और हरे चारे का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, हल्का फुल्का होता है आगे तो दे देते हैं, मैंने कभी उसका आदि नहीं बनाते हैं सर, जैसे ओवर दे देंगे मैं डेली खिलाएंगे उसका आदि हो जाएगा, फिर भूसा नहीं खाएगा। अब भूसा नहीं खाएगा तो फिर हमको फिर दिक्कत है, क्या बकरी जो है ना जिसको एक बार आदत लगाता है हमेशा वही खोजता है, नया चीज को अपनाने में समय लगता है, उसमें क्या होता है इसका ग्रोथ का मैंने ग्रोथ पे और सेहत पे असर पड़ता है। ये चलते हम ज़्यादातर सूखे पर ध्यान देते हैं सर, स्टॉल फीड में तो सूखे पर ध्यान देते हैं। और हरा चारा अगर नहीं देते हैं तो कोई उसका ये देखने को मिलता है कि हाँ ये कमी हो रहा है? नो सर, कमी तो नहीं मिलता है सर, कहे कि हम हल्का फुल्का कैल्शियम ये सब चलता है। अच्छा, हाँ एक्स्ट्रा से कमी होता है ये? हाँ ये कैल्शियम हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, ये सब क्लियर कर लेता है सर। एक चीज बताइए सर कि ये सब तो जानकारी जो आपका अनुभव हुआ उस पर हमने पूछा और आपने बताया, अब ये बताइए जो भाई हमारे बकरी पालन करने की सोच रहे हैं आने वाले समय में, तो उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे उनको बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सर जी पहला बात है कि जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, हम पहले कहेंगे कि मैंने जोश में ये काम शुरू मत कीजिए, जो भी करना है सोचिए समझिए परखिए क्या है, क्या कि आदमी देखने के बोलता है कि उदाहरण के लिए बोल रहे हैं सर मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, वो बोलता है ये तो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है अगर भार कुछ ही है, लेकिन चलाने वाले को बुझाता है कि भाई उसको क्या भार है क्या नहीं है, कहाँ देखना है कहाँ धक्का लगेगा, क्या बचाना है क्या नहीं है, जब तक आप उसमें उतरिएगा नहीं, जो अनुभवी है उनसे पूछिए कि हाँ सर क्या क्या दिक्कत होता है क्या क्या नहीं दिक्कत होती, वो फार्म विजिट कीजिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग लीजिए,
तब आपको सेंट्रल आइडिया, हाँ एक सेंट्रल आइडिया आएगा, तब आप उसका काम शुरू कीजिए, छोटा से कीजिए, बड़ा के फेरे मत जाइए। छोटा छोटा जैसे हमने किया, 3 गो लाया, 1 ब्रीडर लाया, हम उसको स्टडी किए, हमको कुछ बकरी से बकरी ढेर आपको सिखा देगी अपने आप, हाँ जब आएगी तब। उसके पीछे तनिशन 6 महीना मन से लगी है, बाद में हल्का फुल्का घर वाला कोई भी साथ भी दे देगा तो आप बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना एकदम टाइम देना बहुत जरूरी है। जब तक ले एक दो मैंने बयान ना हो जाए बकरी, जब तक ले आपको एकदम ध्यान देना है, क्योंकि उसका भी आपका अप्रूव भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है, दूध के में क्या क्या दिक्कत होता है, कभी थनेल हुआ नहीं हुआ, ये सब जानकारी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं सब पहले जानकारी लीजिए, सबसे ज़्यादा है कि ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, सही बच्चा सही ब्रीडर को चुनाव कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। अभी जैसे आप बोल रहे थे कम से, तो कम से कम एक क्या आइडिया हो कि क्या आइडियल संख्या होनी चाहिए कि हाँ इतने से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? सर आइडिया तो देखिए सर, आइडियल कम से कम मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, सेवा करने के ऊपर है, मिनिमम तो कम से कम हम तो राय देंगे कि 10 गो रहेगा तो मेहनत संपूर्ण होगा, लेकिन कोई पूंजी के कमी के कारण से भी थोड़ा लोग अति होता है तो 3 गो से शुरुआत कर सकते हैं, 3 या 5 से भी, हाँ 3 गो 5 से भी कर सकते हैं। सीखिए एक, हाँ एक 6 महीना कम से कम सिखा देगा अपने में, ट्रेन कर देगा आपको, वो रात को सूते नहीं देगा, हाँ जब भी दिक्कत होगा मैं कर देगा, अपने अंश आ जाएगा, लेकिन अंशाइए मत, जानवर है, हाँ जानवर है, अंशाइए मत, हाँ कहे कि इसको दिक्कत होगा तो बेचारा मुँह है नहीं कि बोलेगा, अब वो तो मैं ना करेगा, अब खीसे जाके मार दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और शेड वगैरह पे लगभग कैसा उनको मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए? हम बोलते हैं कि शेड जहाँ तक हो कम खर्चा कीजिए, 100 में 20% खर्चा कीजिए, हाँ वैसे शेड बनाइए कि भाई जो रद्दी हो उसको उपयोग में लीजिए, हाँ हम तो शुरू में तो बनाए थे अति जो कूटना भी कहा है, घरे जो पार्सल आता है कूट का बनाए थे, कूट का बना के डिस्टेम्बर पोत दिया तो वो हो गया 1 नंबर दीवार, तो उसमें दिक्कत क्या है। एक चीज़ और मेरा आखिरी सवाल, जैसे अभी तो 1.5 साल से ये कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या कर रहे थे आजीविका के लिए? तो कुछ तो कर रहे होंगे सर, इससे पहले हम इंश्योरेंस सेक्टर से हैं सर, हेचरी अभी भी कर रहे हैं सर, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, उसी का हमको ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि हमको खड़ा होने में स्टैंडिंग होने में बहुत मदद मिला उससे, हाँ तो पेमेंट थोड़ा आता है लेकिन मैनेज करके चलते हैं। तो जैसे आप उधर काम देखते होंगे तो फिर इनको कैसे कौन देखभाल करता है? मेरे है हाँ अर्धांगिनी है, बेचारी वो लगा रहती है, उसको भी हल्का फुल्का सिखाती है, हाँ सर बच्चा तो एकदम बच्चा पे खास करके हम सिखाते हैं सर, क्या है कि आगे भविष्य कोई नहीं देखा है, मांगे चलिए अभी आज हम कर रहे हैं, कुछ तो अनुभव सीखेगा तो अपना दिमाग लगा के आगे पोजीशन क्या आएगा, आगे स्थिति क्या आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा ना वो कम से कम 4-5 गो बकरी लेके ढंग से पोसेगा, घाटा में तो नहीं ना जाएगा, लेकिन सिखाना भी जरूरी है, पढ़ाइए और पार्ट टाइम इसको भी सिखाइए, बच्चों अगर घरे हैं तो उनको भी ट्रेन कीजिए, क्योंकि आगे समय बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है, स्ट्रगलिंग इतना देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, अब आगे चल के भविष्य क्या होगा वो तो आप जाने रहे हैं। भी एक कला है, एकदम कला है सर एकदम, और इसमें अच्छा पैसा है, अगर मन से कीजिएगा तो अच्छा पैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, नमस्कार सर। दोस्तों ये है कमल सर और काफ़ी अच्छी जानकारी बकरी पालन से संबंधित इन्होंने दिया है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए सर से, मैं आग्रह करूंगा कि उसका जवाब वो दें, और इनका एड्रेस जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। जो भी भाई हैं अगर जानकारी चाहते हैं या अगर नियर बाई एरिया में है तो सर से मिल भी सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।